लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। सो गाइस फिर से आई एम बैक गाइस एंड लिटरली आप सभी को सॉरी कि भाई इतने दिनों तक आप लोगों को वेट करना पड़ा मेरी वीडियोस के लिए एंड लाइव स्ट्रीम के लिए। तो उसका मेन रीज़न ये था भाई कि मैं भाई शॉप पे बैठता था जिस वजह से यार मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था एंड यार गेम्स भी नहीं खेल पा रहा था और गेम्स कभी कभी बीच बीच में खेल पा रहा था तो फिर यार ऑफलाइन जाना पड़ता था एंड भाई उससे स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो जाता और वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो गाइस फाइनली आई एम बैक एंड हाँ अब आप लोगों को फिर से रेगुलर मिलने वाली है लाइव स्ट्रीम एंड हमारी जो वीडियोज़ है वो सारी की सारी। तो यार स्टे ट्यून के लिए यार आप मतलब जो जो अभी तक यार हैं हमारी वीडियो में और जो देख रहे हैं तो उन सभी को यार थैंक्स है आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट लगाते हो। अबे यार वीडियो बनाने दिया करो तो थोड़ा ऊपर जाने चाहिए तो यार ओके तो यहाँ पर ये लोग बंदे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। तो यार हम गाइस वापस आ चुके हैं एंड भाई हम पे खेलने जा रहे हैं एनजी। और हाँ देखो जहाँ तक बात रही तो भाई डेली लाइव स्ट्रीम अगेन स्टार्ट होने वाली है तो टेंशन मत लो आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग की टाइमिंग पता चल जाएगी। और हाँ मेरे को यार जरा बताना कि क्या मतलब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीम करूँ लाइक ट्विच या फिर बोल सकते हो आप लोग ऑमलेट आर्केड, क्योंकि यार उससे भी फिर हमें और भी न्यू ऑडियंस मिलने की कोशिश हो सकती है, बस कोशिश हो सकती है बाकी और कुछ पता नहीं। बाकी अगर आप लोग बोलोगे कि यूट्यूब पे ही करें तो यूट्यूब पे करेंगे ठीक है। तो चलो गाइस आज हम खेलने वाले हैं स्काई ब्लॉक। तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। अगर आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया हो तो अच्छी बात है, बाकी तो आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। बट यही कहना चाहता हूँ कि चैनल पर जो जो नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा तो करो यार, इतने दिनों से वेट कर रहे थे वीडियो का तो आ गई है, अब लाइक कर दो दबा के ठीक है। तो चलो गाइस सबसे पहले टीपी से एफपीपी में आते हैं। ओके गाइस यहां पर मैं आ चुका हूं टीपीपी से एफपीपी में। तो गाइस मैं स्काई ब्लॉक खेलता हूं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो स्काई ब्लॉक का अगोरा आप लोगों को अगेन बताया, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है इसमें। तो अगोरा भाई स्काई ब्लॉक की लॉबी का नाम है जो कि आप लोग यहां से मतलब कुछ भी कर सकते हो वहां पर, बहुत सारे मतलब जैसे ये जो कस्टम ट्रीज ये सब रखे रहते ना तो बस वही चीज है, ये अगोरा लॉबी है जिसमें से मैंने यार ये किट्स तो क्लेम कर ही ली थी आज सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ठीक है। तो मेरे को अपने आइलैंड पे जाना है एंड आइलैंड का उस जगह से रास्ता है हाँ, तो यहाँ से मेरे को आइलैंड पे जाना है अपने एंड टैप टू ईयर गो टू आइलैंड। ओके सिंपल यहाँ पर चले जाए। यहाँ पर हम सक्सेसफुली अपने आइलैंड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आइलैंड बिल्कुल पुराना सा, पहले इसको मॉर्निंग कर लेते हैं, सुबह ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर गाइस अगर आप लोगों को पता होगा तो हम आज करने वाले हैं अपने इस वर्ल्ड में एन्चांटमेंट्स। एंड हाँ आप लोगों को पता होगा एन्चांटमेंट्स के लिए ना आप लोगों के पास एक्सपी भी होनी चाहिए। तो वेयर इज़ माय एक्सपी फार्म या टाटा, ये दिस इज़ माय एक्सपी फार्म। तो पहले यार मेरे को फ्लाई का अनेबल करने दो। और गाइस पहले बताता हूँ फ्लाई तुम लोग अनेबल तभी कर सकते हो जब तुम पे कोई रैंक हो। तो मेरे पे यूट्यूब रैंक है इस वजह से मैं फ्लाई कर पा रहा हूँ, वरना आप लोगों पे लेजेंड रैंक रहना चाहिए तभी आप फ्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये रहा हमारा स्पॉनर जो कि हमने नॉर्मल बनाया हुआ है और इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा बनाना हो तो आप लोग मेरे ना एक आयरन फार्म की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बनाया और उसमें पूरा कन्फर्म और बता रखा है कि कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। बट उसके बाद हमने फिर एक सर्वाइवल में बनाया था तो उसमें ईजी पड़ गया था। तो यहाँ पर मेरे को एक्सपी मिलती रहती है, देख सकते हो यहाँ पर भी अभी एक्सपी मिल गया मेरे को, थोड़ी बहुत एक्सपी मिल गई है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर गाइस आज मैं बताने वाला था कि कैसे आप लोग अपने ना इन सभी में एन्चांट्स कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इन स्काई ब्लॉक में मतलब कुछ अलग ही डिफरेंट तरह का होता है। तो मैंने लोगों से पूछा है, कुछ कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे को बताया है कि कैसे एन्चांटमेंट कर सकते हैं। एंड जाने दो पहले मेरे को यहाँ पर वेयर इज़ माई बुक्स 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 बुक्स। ओके ये रिफाइनली हमें बुक्स मिल चुकी है। तो यहाँ पर मेरे पे अलग अलग तरह के बुक्स है जो कि मेरे को कोई से लेना देना नहीं है क्या क्या है। तो यहाँ पर एक किल ओरा वाला है तो ये मैं साइज से अपने इस पे लगा सकता हूँ और इसके भी ना ये देख रहे हो सक्सेसफुली इतने और डिस्ट्रॉय, तो मतलब ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और सक्सेसफुली। और अगर आप लोगों को सक्सेसफुली करना है तो इसके लिए ना आप लोगों को शार्ड खरीदने पड़ेंगे, बट तुम्हारा भाई इतना अमीर नहीं है क्योंकि शार्ड्स मतलब उसको खरीदने के लिए भी तुम्हें एक्सपी चाहिए होती है। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर पिल्लर 561 स्वाइप है ना, ये हाँ स्वाइप भी लगाएंगे हम अपने इसमें। तो अभी मैं ना सोड को एन्चांट करने की कोशिश कर रहा हूँ रिप्लेस, और भाई देख रहे हो इसका सक्सेसफुली रेट देखो। ओके यहाँ पर शार्पनेस का पूरा 100% है तो ये मतलब आराम से लग जाएगी। एंड यहाँ पर ये इसका 32 है ग्लो, ये हम उसमें लगा सकते हैं शार्पनेस 1। ओके यहाँ पर ये रेप्लिश थी। ओके यहाँ पर मैंने बुक्स निकाल ली, अब आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे एन्चांट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो जिसकी 100% एंड ज़्यादा सक्सेस रेट है ना तो उस पे उस वाली मतलब बुक से हम स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो देखो सिंपल आप लोगों को बता देता कैसे क्या होता है, कचरा भी बहुत सारा मेरे पैकेट में पता नहीं क्यों है। ओके तो यहाँ पर ये है एंड हमारे देखते सक्सेसफुल इसकी पूरे 100% है। तो इसको आप लोगों को ट्राई करके दिखाता हूँ, ये रुको ये ना 100% तो मतलब ये तो हो ही जाएगा। तो दूसरे को करते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हो इसकी ना सक्सेसफुल मतलब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा। तो आप लोगों को पता है क्या, सिंपल बुक पे क्लिक करना है एंड जिस पे भी एन्चांट करना है उस पर क्लिक कर देना है। ओके तो यहाँ पर ये देखो ये नहीं हुआ, मतलब वो बुक है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो मतलब सक्सेसफुली रेट आप लोगों को बता दिया कि क्या मेरा बुक चली गई यार। ओके तो यहाँ पर अब इसकी 100% है तो अब इसको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर देखो इसको ये एन्चांट हो चुके हैं एंड आई थिंक हमारी एक्सपी नहीं लगी,
क्यों नहीं लगी? आई थिंक शार्ड को खरीदने में एक्सपी लगती है। ओके, तो यहाँ पर स्वीपिंग का 61 सक्सेसफुल रेट है और यहाँ पर 31 डिस्ट्रॉय रेट है, तो यहाँ पर आई थिंक ये भी लग जाएगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। भाई किस्मत खराब है भाई मेरी। और रे भाई ये क्या मजाक है भाई, उसका ज़्यादा था। चलो कोई बात नहीं, समझ चुका हूँ, मतलब उसको कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 100% करना पड़ेगा अगर आप लोगों को पूरा वो लक चाहिए होगा तो। ओके, तो यहाँ पर हमारा एन्चांटमेंट्स में आ चुके हैं हम, क्लिक कर एंड, यहाँ पर ग्लो ग्लो ये सब है, फालतू का ड्रामा नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, सक्सेसफुली रेट चाहिए। तो यहाँ पर हमारा काम आने वाला है एक्सपी शॉप एंड एन्चांटमेंट बुक्स ही आई, तो इसमें भी क्या मजाक है ये भाई। ये क्या 32 लेवल्स, ये क्या ये परचेज लेवल्स, अच्छा बुक्स खरीदने के हमें इतने पैसे लगेंगी। ओ तो एक बुक खरीद के देखते हैं, क्या पता हम कितनी बुक खरीद सकते हैं। कौन सी बुक मिली हमें? एन्चांटमेंट बुक लिखा तो है, कॉमन एन्चांटमेंट। अच्छा इसको मारना पड़ेगा, ओके। एंड यहाँ पर स्वे स्माइट मिली हमें, एंड इसका सक्सेसफुली रेट और डिस्ट्रक्शन इसका ज़्यादा है भाई। नहीं लग रही भाई, किस्मत खराब है भाई, हमारा सक्सेसफुल रेट ही घटिया है भाई एकदम ही। या वाहियात और रे भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेड स्टोन टूल्स यूटिलिटीज मॉब मिनरल नहीं, शार्ट्स एंड, अरे शार्ट्स एंड रूल देखना ही भूल गया था। ये क्या लक शार्ट एंड पावर शार्ट, तो हमें लक शार्ट चाहिए क्योंकि हमारा लक जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा। ओके 20 लेवल्स, अरे यार लेवल्स कमाने पड़ेंगे गाइज। एंड रुको, यहाँ पर लकी है ना ये कि सक्सेसफुली रेट है। ओके पावर ये लिखी है यहाँ पर, ऑब्जेक्शन ये लिखा हुआ। ओके तो हमें लक चाहिए क्योंकि लक हमारा अभी ना इस वाली बुक में बहुत खतरनाक है। और किलोरा मतलब ये किसी ने गिफ्ट करा था, मुझे नहीं पता किसने गिफ्ट किया था, लिटरली आई एम सॉरी गाइज जिसने भी गिफ्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे उसके नाम तो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर इन लोगों को मारना है। ए यार ये लोग कैसे मार देते भाई, क्यों भाई, ये चीटिंग है यार, ऐसे कोई थोड़ी ना चलेगा यार। देख रही हूँ री भाई हरामियों, तुम लोगों को मैंने अपने लिए मारने के लिए इतनी सी जगह में कैसे मार पा रहे भाई यार, मतलब एकदम ही खतरनाक लोग हैं ये तो, स्केलेटन वाले बहुत खतरनाक हैं। ओके तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर एक्सपी कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। भाई 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 ओके तो यहाँ पर 21 लेवल मेरा हो चुका है इजी पीजी, तो यहाँ पर हम फिर से बाय करके देखते हैं। इस बार हम शार्ड खरीदेंगे, इस बार पावर नहीं लक शार्ड खरीदेंगे, ठीक है। लक अपना बेस्ट करना है हमें, एंड यहाँ पर लक शार्ड, एंड यहाँ पर बाय, एंड यहाँ पर 20 का एक है ना, तो यहाँ पर एक ही बाय कर पाएंगे, हम पे एक ही है। ओके तो यहाँ पर लक शार्ड एंड लक देख लेते हैं इसका कितना लगा, 27 इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर बुक में लगाएंगे हम। एंड यहाँ पर 67 हो चुका, देख रहे हो, मतलब ऐसे तुम लोग पावर बढ़ा सकते हो अपनी इसकी। एंड यहाँ पर ये स्केलेटन बहुत मार रहे भाई, मुझे नहीं पता क्यों मार रहे पर बहुत मार रहे। ओके तो यहाँ पर इनको पेलना पड़ेगा दूर से ही, एंड एक्सपी फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपी ग्राइंडिंग चालू। टूम टूम टूम। A few minutes later. Okay guys, यहाँ पर मेरा फिनिश सिंपली, मतलब हमने अपना लेवल अपना अपग्रेड कर लिया है। ओके तो यहाँ पर अब हमें फिर से बाय करना है लक शार्ट, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था। लक शार्ट से मतलब अपना वो जो बुक्स का है ना वो लक बढ़ा सकते हो, तो सिंपल हम अपना बुक का लक बढ़ाने वाले और पावर शार्ट से भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फिर से अगेन ज़्यादा मेरे पास एक्सपी नहीं है, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और भाई एक्सपी कलेक्ट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप लोगों को लग ही रहा होगा। ओके तो यहाँ पर इंक्रीज सिर्फ 10 करेगा, कोई नहीं, यहाँ पर पावर करते हैं हम। एंड यहाँ पर वेट, ओके 77 हो गया, बट अभी भी 23 रह रहा है, मतलब भाई मैं चांस नहीं ले सकता इसके लिए, तो मेरे को थोड़ा सा और ग्राइंड करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, इस बार हम ग्राइंड करते हैं पावर शार्ट के लिए भी, एंड साथ साथ उसके लिए भी, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्शन है, देख रहे हो यहाँ पर 5000 तक का ये ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक वही लग रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर पूरा करते हैं ग्राइंड अगेन। मच लेटर। सो गाइज यहाँ पर भाई तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतने सारे शार्ट्स कंप्लीट कर ले, मतलब 20, 40 एंड 50, मतलब 60 लेवल, और जो अभी मेरे पास एक्सपीरियंस का मतलब 80 लेवल तक मैंने ग्राइंड करा है, ऑफलाइन ग्राइंडिंग करी है, जिसमें से मैं यार एक बंदे से मांग रहा था कि भाई वो मेरे को सोर्ड मतलब मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे पे ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 2 मिलियन थे, तो मैंने उससे बोला, बट उसने मना कर दिया, सो सैड फोर या कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी मैं YT रैंक हूँ बट मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो यार तो गाइज इन लोगों को मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं ये लोग गेम में आते भी होंगे या नहीं, बट यार ये मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट करे, तो या आप लोगों का भी नाम चमक सकता था, बट उस बंदे ने नाम नहीं चमकाया अपना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गाइस शार्ट्स की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा स्कैम भी करते हैं, तो यहाँ पर ये देखो लास्ट शार्ट मेरे को 27 का मिला, और फिर बाकी तो भाई 6 थे, फिर यहाँ पर 9 था और एक 5 था, मतलब इतनी भी गरीबी क्या है भाई। तो यहाँ पर फाइनली हम भाई पावर शार्ट खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल हम शॉप करेंगे एंड इजी पीजी पावर शार्ट खरीदेंगे, जिससे हमारे पास पावर आए। और भाई ये ब्लैक स्क्रोल मेरे को बताना ये क्या होता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लिटरली बस पावर शार्ट के बारे में मेरे को इतनी बार तो इतनी कोशिश करने पे पता चला है।
तब मैं यहाँ पर फाइनली आ चुका हूँ। ओके तो यहाँ पर अब पावर शार्ड देखते हैं। ओके तो यहाँ पर पावर शार्ड बहुत ज़्यादा मिली हमें, तो हमें बुक के अंदर प्रोवाइड करना पावर शार्ड। ओके सिंपल, यहाँ पर बुक के अंदर प्रोवाइड हुआ, तो यहाँ पर हो चुका है। और अब यहाँ पर बात है कि मेरे को वो करना, तो यहाँ पर 27 वाला मैं इसमें डालूंगा, तो सिंपल 100। ओके तो यहाँ पर हो चुका है, किलोरा इसका बढ़ चुका है एंड शार्ड। तो अब इसकी बार है इसको सिंपल इसमें पुट करना और देखना है कि क्या होता है हमें। एंड यहाँ पर हो चुका है शार्पनेस प्लस किलोरा। ओके अबे ये स्केलेटन बाहर कैसे आया? What the heck was that? Wait यार, ये स्केलेटन बाहर कैसे आया भाई? हेलो, ये क्या मजा आ गया भाई? लिटरली ये स्केली कहां से आ गया? कोई बात नहीं, यहाँ पर किल ओरा का इस्तेमाल करा जाए, इस बाहर वाले पे करते हैं। अरे अरे कुछ नहीं हुआ इसको, अरे भाग, अरे भाग, अरे उरे पकड़, भाग 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 भाग, इसको कुछ हुआ क्यों नहीं भाई? ये क्या मजाक है भाई? किलोरा का क्या फायदा भाई? यार यार बंदा कह रहा था भाई किलोरा का मतलब बहुत अच्छा फायदा होता है, यार स्कैम कर गया वो, किलोरा का कोई फायदा ही नहीं हुआ भाई। 50 के 50 है, ये कम क्यों नहीं हो रहे? भाई मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं लड़ना चाहता भाई। भाई भाई भाई, भाई, भाई किलोरा का फायदा क्या हुआ फिर, जब बंदा कह रहा था? ए वेट वेट वेट, किलोरा तो दिखाई नहीं रहा, किलोरा प्लस 1 स्कैम हो गया। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ एक किलोरा के लिए करा, उफ कोई बात नहीं, और देखते हैं हमारे पास और क्या भाई। इतनी देर तक मैं एक किलोरा के लिए करा और जिसका कोई मतलब ही नहीं लिखता, मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। तो यहाँ पर क्या है, ग्लो है, 5000 पावर 5000। ओके स्वाइप है, रेपलिंच है, प्लेरीफाई है, पता नहीं कौन कौन सा है, मुझे तो आधे से ज़्यादा इनके बर्ड के मतलब भी नहीं पता। तो क्योंकि स्माइट है तो स्माइट लगा लेते हैं अपने इसमें, एंड 41% चांस है ना, इसको बढ़ाते हैं यहाँ पर, इसमें चल निकल यहाँ पर, एंड ये भी निकल इसमें। ओके एंड यहाँ पर ये इसमें, ओके तो अब इसके 72% हो गए ना, अब लग जानी चाहिए। ओ भाई लग गई भाई, परफेक्ट स्माइट प्लस शार्पनेस 1। हे वेट अ मिनट भाई, मेरे को इसको अपग्रेड करना चाहिए, क्या फालतू गिरी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। उफ मैं कितना बड़ा नूब हूँ भाई, शार्पनेस 1 की शोट लेकर, स्माइट 1 की मैं अपने आप को प्रो समझ रहा हूँ। उफ कोई बात नहीं, यहाँ पर बड़ी तगड़ी तगड़ी शोट से यहाँ पर अब तुम्हारा भाई बड़ा भयंकर वाला लेगा। ए वेट, यहाँ पर सब 1-1 क्यों है भाई? स्वाइप 1, मेलन 1, भाई सब 1-1 है। वेट द हेक वाज दैट, पॉइजन 1 भाई, भाई 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 भाई। ओके तो यहाँ पर माइनर 1 भाई, ये सब 1-1 है और 35 levels, मतलब ये पैसों में नहीं खरीद सकता मैं भाई, लेवल्स में खरीदना पड़ेगा। ओ भाई एक तो मेरी शोर भी गायब हो रही है यार, ये क्या, ये कैसे नशे हैं भाई। नो प्रॉब्लम गाइस, कोई नहीं, यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि कैसे ये एन्चांटेंट्स करते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में होपफुली यार आप लोगों के लिए बेनिफिट वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं यार कोशिश करूंगा कि और भी ज़्यादा एन्चांटमेंट में फोकस करूँ कि कैसे और क्या करते हैं, जिससे अगली बार में फुल एन्चांटमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एंड हाँ, फार्म भी एक दूसरा बनाऊंगा जिससे थोड़ी मनी अर्न कर सकूँ, क्योंकि मैंने अभी ये देख रहे हो ना, इतना मनी तो लेजेंड किट मैंने सेल करना चालू कर दिया, ऑक्शन में आप लोगों को 150K की लेजेंड किट मिलेगी। और मैंने ये जितना भी कचरा आ रहा था ना, तो ये सारा कचरा तुम्हारा भाई सेल कर रहा है, जिससे अब मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, मनी मिल जाता है उससे। ओके सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पर जो नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा भाई डेली वीडियोज लगने वाला है और हाँ लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होप यू लिव लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड बाय बाय।